अब आपको हम सुनाते हैं MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के जहरीले बोल। हैदराबाद में हुए कार्यक्रम में ओवैसी ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बहाने जमकर भड़ास निकाली। RSS, VHP, BJP समेत केंद्र सरकार और UP की समाजवादी सरकार को आड़े हाथों लिया। बाबरी मस्जिद की जगह इन्हों फतरा ला रहे करते, पिल्लरा लेके आ रहे। ओवैसी के तीखे बोल। RSS, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मोहन भगवत, आपकी जिंदगी के हमारी मस्जिद से बढ़कर है। ओवैसी का ओपन चैलेंज। अगर 6 दिसंबर की तरह मंगा नाच होगा। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर जुबान से जहर उगलने का मौका ढूंढ लिया। इस बार मुद्दा बनाया राम मंदिर और अयोध्या के विवादित ढांचे को। निशाने पर लिया RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद और मोदी सरकार को। ओवैसी हैदराबाद के MIM हेडक्वार्टर में आए तो थे मिलाद उन नबी के मौके पर, लेकिन इस पाक मौके पर भी राजनीति करने से नहीं चूके और अयोध्या के विवादित ढांचे के बहाने केंद्र और UP की सरकारों पर सीधा हमला बोला। बाबरी मस्जिद की जगह इन्हों फतरा ला रहे करते, पिल्लरा लेके आ रहे। मुलायम सिंह, तुम्हारी हुकूमत का काम यह था कि तुम उन फतरों को सीज करते, फतरों को सीज करते, मुकदमा आयद करते। और हुकूमत से हम यही उम्मीद करते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हुकूमत अपने इन जोकरों को रोकेगी। ओवैसी का यह गुस्सा था अयोध्या की खबर से। वहां विवादित ढांचे के पास VHP ने राम मंदिर बनाने के लिए पत्थर जमा किए हैं। हालांकि ओवैसी बार बार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनकी जुबान में तलखी साफ नजर आ रही थी। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के बहाने RSS, VHP और BJP समेत UP की समाजवादी सरकार पर भी तंज कसे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक एक चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। तुम RSS के होंगे, विश्व हिंदू परिषद के होंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तुम कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखो, RSS, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मोहन भगवत, ये खाकी चड्डी पहनकर लट फिराने वालों, समाजवादी पार्टी के इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, जो आधे BJP से ज्यादा तुम फिरका परस्त हो। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके। ओवैसी ने सीधे सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी चुनौती दे डाली। नहीं, मोहन भगवत बोले मेरी जिंदगी में बनाएंगे, क्यों? आपकी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट की अजमत से बढ़कर है, आपकी जिंदगी के हमारी मस्जिद से बढ़कर है। तुम्हारी जिंदगी की अगर बात है तो मेरी जिंदगी भी सामने है मोहन भगवत। दरअसल ओवैसी के तीखे तेवर की वजह 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव है। ओवैसी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जिसे वो BJP और समाजवादी पार्टी दोनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं।